हाँ जी प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जब भी वीडियो देख रहे हैं उनको उसी के हिसाब से। जैसा कि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हमने क्या-क्या कर लिया, मैं एक बार रिमाइंडर दिलवा देता हूँ आपको। रेशो कर लिया हमने, रेशो के सारे पार्ट्स कर लिए थे, सरेंडर वाला, एक्वायर वाला। इसके बाद रेशो के बाद हमने क्या किया था, रेशो के बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे, लगभग लगभग हिडन गुडविल, प्राइवेटली, नॉट एनेबल टू ब्रिंक, एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उसमें तो पार्टनर्स कैपिटल के मैंने कॉन्सेप्ट को छोड़ा था, और इतना डिटेल, फर्स्ट कह रहा हूँ जो फंडामेंटल वाला चैप्टर था उसमें इतना तो डिटेल में नहीं गए थे। अब हम जा रहे हैं किस में, अब जा रहे हैं हम डिटेल में, पार्टनर्स कैपिटल और रीवैल्यूएशन। तो आज का सिर्फ चर्चा का विषय जो होगा, सिर्फ फॉर्मेट समझेंगे दो, और वो रीवैल्यूएशन और वो पार्टनर्स कैपिटल का। हम अच्छे से उस विषय को समझेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन का मेन पॉइंट होगा वो रहेगा हमारा। तो जैसे कि रिवेल्युएशन कर लिया और पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, अगर मैं रिवेल्युएशन अकाउंट की मैं बात करूं तो रिवेल्युएशन, हम पहले इस वर्ड को भी समझेंगे और फिर इसके बाद अकाउंटिंग करेंगे। और ये अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों है, और हम कहीं भी जॉब वगैरह करते हैं तो इसकी अकाउंटिंग क्यों करेंगे, उस पॉइंट को समझेंगे। जैसे मान लो कि ए और बी है और न्यू पार्टनर सी आता है, तो सी जब आता है तो सी अकेला नहीं आता, अपने साथ बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क लेके आता है। जैसे कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, जो कि हम सीख चुके हैं, हमें गुडविल कितना लाना होगा, जो कि हम सीख चुके हैं। अब अगला जो थर्ड क्वेश्चन इसके माइंड में होता है कि भाई जो तुम्हारे एसेट्स हैं और जो तुम्हारे लाइबिलिटी हैं, वो सारी जो आपने, यानी इन दोनों ने जो पुराने बैलेंस शीट में होंगे, ये जो पुराने बैलेंस शीट में जो होगा वो तो पुराने रेट पर होगा, यानी जो इन दोनों की, क्योंकि ये तो अब आ रहा है, और जो इन दोनों की बैलेंस शीट रही होगी, और इस बैलेंस शीट के अंदर आपको अच्छे से पता है इधर एसेट्स लिखा होगा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग मेरे हिसाब से अगर मैंने 5 लाख लिखा है, लेकिन उसकी वैल्यूज क्या पता 10 लाख हो। यहां पे हो सकता है स्टॉक, मैंने 1 लाख लिखा है, क्या पता ये 3 लाख हो। यहां पे हो सकता है आपका क्रेडिटर, मैंने 2 लाख लिखा है, क्या पता इसे 3 लाख रुपए देना पड़े। तो जो न्यू पार्टनर सी है, ये क्या कहेगा पुराने पार्टनर से कि भाई आपने तो मेरा रेशो का और गुडविल की समस्या को सॉल्व कर दिया, लेकिन जो आपके बैलेंस शीट में ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटी है, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये 5 लाख वाली चीज अगर 10 लाख या 8 लाख हो चुकी है तो आप नई बैलेंस शीट बनाइए और नई बैलेंस शीट में नए वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखाइए। तो इसकी तीसरी फरमाइश को पूरी करने जा रहे हैं। पहली फरमाइश क्या थी इसकी, सर पीएसआर बताओ। दूसरी फरमाइश क्या करी इसने कि सर गुडविल बताओ। तीसरा बोलता है सर एसेट्स और लाइबिलिटी को नए वैल्यू पे दिखाओ। तो इसलिए हम सीखेंगे री का मतलब क्या होता है, दोबारा। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है, किसी चीज की वैल्यू। अगर इसकी 5 लाख है, मैं बोलूं आपसे आपके मोबाइल फोन कितने का बिकेगा जिसमें आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप बोलोगे सर ये 8 का तो बेच दूंगा, तो आपने वैल्यूएशन लगाया, लेकिन खरीदा 10 का था, 8 का बेच दूंगा तो वैल्यूएशन तो है। तो हमारे पास जो पुराने फर्म, इसके आने से पहले, इसके एंट्री से पहले जो पुराने एसेट्स और लाइबिलिटी है, इसकी दोबारा वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। इसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? इसको क्या बोला जाएगा, हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाएगा।
इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा हमारा, जो पुराने एसेट्स है और पुराने लाइबिलिटी उसकी दोबारा वैल्यूएशन करने को हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनेगा नहीं बनेगा वो हम देखेंगे अभी, चिंता मत करो। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सच सच बताना, समझ में आया ना कि जब नए पार्टनर आएगा, पुराना पार्टनर होगा, तो नए पार्टनर क्या बोलेगा पुराने पार्टनर से, भाई तुम्हारी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू जो एक्चुअल है वो दिखाओ। तो अब ये पुराना पार्टनर क्या करेगा, अपने एसेट्स और लाइबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू को दिखाने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे में, जिसके रूप में, जिसके कारण इसे एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ जाएगा उस वैल्यू को चेंज करने के लिए, और वो अकाउंट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल सा लॉजिक है, आपको लग भी रहा होगा कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जस्टिफाइबल है ये, इसमें ऐसी कोई दो राय वाली बात भी नहीं है। हाँ जी, चलिए इसे हटा देते हैं, अब आगे चलते हैं हम इसको लेके। अब रिवैल्यूएशन हमें क्यों बनाना है ये तो पता चल गया। सर एक एग्जाम्पल भी कराओ ना, एक एग्जाम्पल कराओ जिसके अंदर की इस तरीके से हो तो हमें और अच्छे से समझ में होगा। बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा। मान लेते हैं कि मैं ए और बी मान लेते हैं, ये बैलेंस शीट है और ये ओल्ड है, और किसकी है, ए और बी की। पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी बैलेंस शीट है लाइबिलिटी और इस साइड एसेट अमाउंट। तो लाइबिलिटी और एसेट, एसेट्स में कुछ हमारे पास ओल्ड एसेट्स है, मान लेते हैं बिल्डिंग, फाइव लैख का स्टॉक, 3 लैख का डेटर, 4 लैख का डेटर के बाद क्रेडिटर, 3 लैख का क्रेडिटर के बाद मान लेते हैं हम बिल्स पेबल, 2 लैख, बाकी कैपिटल लिख देते हैं। और कुछ लेना है, मशीनरी, मशीनरी 5 3 8 और 4 12, इसको 3 लाख कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया 15 लाख रुपए का, और यहां भी 15 लाख, जिसमें से ए और बी की कैपिटल होगी मैं मान लेता हूं 5 लाख, और 5 लाख टोटल 10 लाख। तो ये सामने जो आपके सामने लिखा हुआ है बैलेंस शीट, तो ये बैलेंस शीट कौन सी है, पुराने फर्म की, जैसे भी बता रहा था, ठीक है। अब दो तीन लोगों की बातचीत में जो नया पार्टनर था उसने डिमांड क्या किया, सर ये अगर बैलेंस शीट है तो इसके अंदर जो वैल्यू है क्या एक्चुअल पे। मैंने बोला नहीं भाई, इसके अंदर चेंजेस है। तो जो तीसरा पार्टनर आ रहा है वो क्या कहेगा, सर जो चेंजेस है पहले वो चेंजेस करिए, ठीक है, बताइए क्या क्या चेंजेस है। तो मैं वो चेंजेस आपको बताता हूँ क्या क्या चेंजेस है, पॉइंट नंबर वन, और इसी चेंजेस को हम एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%। बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट होगा 10% से। नंबर टू, स्टॉक रीवैल्यूड, रीवैल्यूड रुपीज 2 लाख 60,000,
जो स्टॉक है वो 2,60,000 का हो गया। नंबर तीन, मेक या प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स 5%। फोर, मशीनरी डेप्रिशिएट डेप्रिशिएट 10%। फाइव, क्रेडिटर लाइकली रुपीस 1,000 या 10,000 रिटर्न बैक तो ये हमारा सामने क्या, मैंने आपके सामने जो लिखा है वो क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं वही बातें बताऊं आपको कि ए था और बी और सी, और सी की फरमाइश क्या थी बताओ, फरमाइश सी की फरमाइश क्या थी कि भाई तुम्हारे जितने पुराने एसेट्स और लाइबिलिटी है मुझे पता चल गया है कि ये वैल्यूएशन अब ये होना चाहिए, लेकिन आपने लिखा ये है तो इसकी वैल्यू चेंज करो। तो इसको चेंज करने पे अब एप्रिशिएट का मतलब बताओ क्या क्या इंपैक्ट आएगा, मैं बताता हूं। एप्रिशिएट का मतलब बताओ, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना। तो मेरी बिल्डिंग बढ़ गया है तो फायदा हुआ या नुकसान बताओ। पहले मेरा बिल्डिंग था 5 लाख का, 10% से बढ़ गया, नाउ माई बिल्डिंग इज 550, तो फायदा है या नुकसान है, तो रिजल्ट इज फायदा है। स्टॉक रिवेल्यूएट 260, पहले स्टॉक 3 का था अब ये हमारा 260 का है, तो बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ। पहले 3 का था अब 260 का हो गया है, तो 40,000 का नुकसान है ना नालायक, कोई बोल रहा है फायदा, नुकसान है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब हमें संदेह है कि हमारे 5% डेटर जो है वो बेकार हो सकते हैं, पैसे नहीं देंगे। तो डेटर के ऊपर अगर हम 5% निकालें तो डेटर के ऊपर 5% कितना होगा बताइए जरा आप। डेटर के ऊपर 5% हमारा होगा, जैसे 4 लाख पे 5% निकाले तो 20,000, तो इसमें कम करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, पहले डेटर था 4 का, अब कम करेंगे तो कम नुकसान। मशीनरी 3 का, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, वैल्यू में कमी आना या ज्यादा होना, वैल्यू में कमी आना, तो ये भी नुकसान है भाई। इसके बाद क्रेडिटर 10,000 रिटर्न बैक, क्रेडिटर बोलते हैं कि मुझे 10,000 नहीं चाहिए, वो वापस चले गए। तो पहले मेरा क्रेडिटर था 3 लाख का, अब मेरा क्रेडिटर जो है वो 10,000 वापस चले गए, तो अब देने हैं 2,90। तो बताओ लाइबिलिटी कम हुई तो फायदा या नुकसान, सर फायदा है। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि जो ये हमारा बैलेंस शीट है और ये इसके नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये हमें बताता है कि हमारे बैलेंस शीट के कौन से आइटम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। उस इम्पैक्ट को लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और बड़े मजे की बात देखो, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या है या इसका नेचर क्या है, तो नेचर इसका होता है हमारा नॉमिनल, ठीक है। इसका नेचर क्या रहेगा, हमारा नॉमिनल। अच्छा सर इसका नेचर नॉमिनल है, हाँ जी बच्चे इसका नेचर नॉमिनल है। सर आपने इतना सी सारी बातें बताई, अब आप मुझे बताएं रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। लो जी लो, आपकी फरमाइश पे आज मैं बनाने जा रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट।
अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना बुक के। आज मैं सभी बच्चों को कॉल करने वाला हूं। मैंने डिसाइड किया कि कुछ बच्चे बहुत ही है जो लापरवाही दिखा रहे हैं, आज उनको कॉल करूंगा, उनकी खैर नहीं है आज, समझ लो। और ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है सर, ये बनेगा कैसे, इसकी जर्नल एंट्री भी देखेंगे। सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस याद करो, ये प्रॉफिट एंड लॉस ही तो है। इस साइड क्या लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट याद करो। मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, लॉजिकली बात करेंगे ना। ट्रेडिंग अकाउंट, इधर सारे एसेट्स लिखते थे, इधर सारा लाइबिलिटी लिखते थे, है ना, नालायक। इधर सारे खर्चे लिखते थे और इधर सारे इनकम लिखते थे, भूल गए, परचेज, वेजेस, सैलरी इधर लिखते थे ना, तो ये खर्चा है। इधर सारा इनकम, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, सेल्स, ये सब लिखते थे ना। तो सिंपल पी एंड एल ही तो है। वो रिवैल्यूएशन देख के एक बच्चा डरा बैठा है, वीडियो देख रहा है और डर डर के देख रहा है, वो रिवैल्यूएशन में क्या होगा। भाई कुछ नहीं होगा रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन पी एंड एल का ही दूसरा नाम है। तो अगर मैं क्लियर करूं तो इस साइड में सारा का सारा क्या डालेंगे, एक्सपेंस। और दूसरे शब्द में आपको समझाने के लिए एग्जाम में नहीं लिखना, लॉस। और इस साइड में इनकम, और दूसरे में इनकम तो पता ही है भाई, प्रॉफिट, गेन। तो सर किससे प्रॉफिट और किससे लॉस, हाँ ये आपका बिल्कुल सवाल वाजिब है। जो एसेट्स को वैल्यूएशन किया गया उसकी वजह से, अब मुझे बताना, मशीन बिल्डिंग बढ़ गया तो फायदा या नुकसान। सर बिल्डिंग बढ़ गया, बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा तो हमारा होगा फायदा। तो बताओ इधर क्या लिख दूं, लॉस, क्या इधर लिख दूं मैं, नहीं, किधर लिखा जाएगा, बाई साइड में। तो यानी जितने भी फायदे होंगे इधर। अब बताओ लाइबिलिटी, क्रेडिटर जो थे वो लेने नहीं आ रहे तो फायदा या नुकसान। एक क्रेडिटर को 2 लाख देने थे, वो बोलता है भैया मुझे 10,000 नहीं चाहिए, तो फायदा हुआ नुकसान। लाइबिलिटी अगर मेरा कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है तो इसका मतलब मेरा क्या है, नुकसान है। नहीं, लाइबिलिटी कम हो रहा है तो फायदा है, कुछ बच्चे नुकसान सोच रहे हैं। अरे भाई एसेट्स जब घटेगा, अगर हमारा एसेट, बड़ा ही सिंपल सवाल है ना, कि अगर एसेट्स हमारा बढ़ता है तो फायदा, फायदा, अब हिंदी में लिखता हूं फायदा। अरे फायदा कैसे लिखते हैं भाई, फायदा याद रखना। और जब एसेट घटेगा तो बताओ नुकसान। लाइबिलिटी को लेके बनाते हैं रूल, अगर लाइबिलिटी बढ़ा तो उल्टा होगा ना, कर्जा बढ़ रहा है तो नुकसान, नुकसान। अगर लाइबिलिटी घट रहा है तो ओहो फायदा, फायदा। समझ में आया, आपको ये पता चल गया कि एसेट्स के बढ़ने से फायदा और एसेट्स के घटने से नुकसान, लाइबिलिटी के बढ़ने से नुकसान और लाइबिलिटी के घटने से फायदा। तो आप उसको मेजर करके यहां बस लिखना है, देखो कितना आसान है। वो हो सर हमें तो समझ आ गया है कैसे करेंगे, फिर भी आप कर रहे हो जिद मान के, तो कर लो। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%, बिल्डिंग हमारा एप्रिशिएट 10%, तो पहले 5 लाख का था, टुक तो 5 लाख का 10% बढ़ गया, तो यानी 50,000 रुपए बढ़ गए। तो बिल्डिंग हमारा 50 से बढ़ गया तो फायदा, तो बाय साइड में, बाय बिल्डिंग। पचास हजार समझ में आई बात आपको, पहला एडजस्टमेंट डन।
स्टॉक रीवैल्यूएट 260, इसका मतलब है स्टॉक जो है अब 260 का रह गया है। पहले स्टॉक कितने का था सर? पहले तो स्टॉक 3 का था, अब रह गया 260 का, तो इसका मतलब मेरा स्टॉक हो गया कम, तो हो गया मेरा नुकसान, तो टू साइड में लिखेंगे, टू स्टॉक कितने का? 40,000 का। समझ में आ रहा है ना आपको? 40,000 का। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी डेटर मेरा कम होगा, और डेटर हमारा एसेट्स है, और एसेट्स हमारा कम होगा तो नुकसान है, तो नुकसान तो इधर दिखाएंगे, तो प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% किस पे? डेटर पे। 4 लाख पे 5% कितना होगा हमारा सर? 20,000। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत है वो माइनस मल्टीप्लाई करके देख ले, तो 20 का नुकसान। मशीनरी डेप्रिसिएट्स 10%, तो बताओ मशीनरी की वैल्यू में क्या आएगी, कमी या ज्यादा? सर मशीनरी डेप्रिशिएट, इसका मतलब मशीनरी तो कम होने वाला है, तो नुकसान है। कितने का नुकसान है बच्चे बता दो आज? सर मशीनरी डेप्रिशिएट नुकसान 10%, तो मशीनरी है 3 लाख का, 3 लाख का 10% 30,000। ठीक है। क्रेडिटर लाइकली व 10,000 रिटर्न बैक, 10,000 के क्रेडिटर थे जो चले गए। क्रेडिटर बोलते हैं हमें नहीं चाहिए बाबू पैसा, हमें मत दो, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दो। तो ठीक है भाई क्रेडिटर, तुम नहीं लोगे पैसा तो हम तो अपना इनकम मानेंगे इसे। क्रेडिटर, और ये आएगा हमारा क्रेडिटर 10,000। लो लो जी लो, बन गया रिवेल्युएशन। तो सिंपल है ना, नुकसान इधर और फायदा इधर, तो ये आ गया 60,000, और 3,2 इधर ज्यादा है तो इस साइड आएगा 30, 50 और 40, 90,000, 90,000, और बाय दे देंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब बताओ ये पुराने पार्टनर से का है ना सारा, ये सारा का सारा जो बखेड़ा खड़ा कर रखा है, जो नुकसान प्रॉफिट है, ये कौन से पार्टनर का बताओ? पुराने पार्टनर का है, तो इसके ऊपर जिम्मेदार कौन होगा? प्रॉफिट है लॉस पे पुराना पार्टनर होगा, नया तो देख रहा है, उसकी तो फरमाइश पूरी हो रही है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे पुराने पार्टनर का है। ठीक है, तो पुराने पार्टनर का देखा जाए तो लॉस प्रॉफिट, तो लॉस कितना आया? 90 में से 60 जाएंगे तो बचे 30,000, 30,000 का लॉस। तो भाई 30,000 किस में बटेगा? ए और बी में, रेशो नहीं है तो इक्वल, सबसे आसान रेशो 15,000, 15,000, 30,000। ठीक है, तो ये था हमारा रिवेल्यूएशन। जनरल एंट्री भी करेंगे धीरे धीरे सारी चीजें। ठीक है, तो एक बार आप इसको पॉज करके नोट करिए, ये अभी चलेगा, थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ रहा है तो लंबे और छोटे से क्या फर्क पड़ता है। हमें कोई चीज सीख रहे हैं तो हमें, मुझे तो बड़ी तसल्ली होती है कोई चीज सीखता हूं तो बैलेंस शीट और ये हमारा इसके नीचे एडजस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, इसको देख के कंपेयर करके हमने क्या बना लिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जनरल एंट्री देखे क्या? हाँ सर, जनरल एंट्री इसको आप पॉज करो, इसको पहले नोट करो, आप जल्दी जल्दी करो इसको नोट, कहीं पे लिख लो, अगर पता चल गया, अगर आपको अच्छे से आता ही, सर क्या लिखवा रहे हो फालतू की बातें है, कोई बात नहीं मत लिखो फिर, वो तो मैं बस अपनी तसल्ली करता हूँ कि मुझे आ रहा है नहीं आ रहा, अपने आप को चेक करता रहता हूँ मैं हमेशा, कहीं भूल तो नहीं गया मैं। अच्छा सर, जर्नल एंट्री, फालतू की बातें बंद, जर्नल एंट्री। ठीक है बच्चे, जर्नल एंट्री देखो, जब कभी भी एसेट्स और लाइबिलिटी होगा रिवेल्युएशन, आपको पता है कि रिवेल्युएशन अगर डेबिट हो रहा है तो नुकसान है, हमेशा याद रखना है आपने कि रिवेल्युएशन डेबिट होगा तो नुकसान है और रिवेल्युएशन क्रेडिट होगा तो फायदा है। चलिए अब जनरल एंट्री कैसे कैसे कर सकते हैं हम, अब ना हम अकाउंट से भी कर सकते हैं, तो मैं आज अकाउंट से बताता हूँ, फिर अगली क्लास में हम वैसे करेंगे। देखो रिवेल्युएशन 2 में स्टॉक है तो मैं लिखूंगा रिवेल्युएशन
अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। सर एक बार में कर दे के? ना 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 ना, एक बार में नहीं करना। 40,000। अब लॉजिक लगाओ, एसेट्स कम हो रहा है ना, तो एसेट डिक्रीज का मतलब एसेट्स को क्रेडिट करना होगा। सीखा था ना रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में, बी स्टॉक रीवैल्यूएड, बस सेकंड पॉइंट। सर पहले तो ये एंट्री था बिल्डिंग, आपने पहले ये क्यों कर दिया? देखो इसमें डेट रही है, जो मर्जी पहले कर सकते हो, ठीक है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पूरा फॉर्मेट में करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने का भाई? सर 20,000। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। नंबर चार एंट्री मशीनरी है, तो रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी थर्टी थाउजेंड। कुछ बच्चे सोच रहे टेस्ट ले नहीं रहे सर, अब बस स्टार्ट होने वाला है, तैयारी चल रही है, अभी आपके लिए बहुत ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, मुश्किल मुश्किल। बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 10%, फिफ्थ बिल्डिंग डेबिट है तो बिल्डिंग, सर क्रेडिट है, डेबिट क्यों बोल रहे हो? अरे हाँ, बाय का मतलब यहां पे है डेबिट, क्योंकि फायदा हुआ ना बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग को डेबिट करो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अब रिवैल्यूएशन कहां चला जाएगा? क्रेडिट में 50,000 एंड 50,000। बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%, ठीक है? सिक्स सिक्स क्रेडिटर, तो सिक्स में देखते हैं क्रेडिटर, तो फायदा है ना भाई, तो क्रेडिटर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और ये आ गया 10,000। 10,000 तो मैं बड़ा ही सिंपल बोलना चाहता हूं कि जब आपका फायदा हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, मैं लिख भी देता हूं चलो, और जब नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी लॉजिक भी समझेंगे हम इसका, ठीक है? अब ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो लॉस बाय में है तो डेबिट होगा, जैसे एज कैपिटल बीज कैपिटल और टू रीवैल्यूएशन, ठीक है? 15,000, 15,000 और 30,000, इसे आपने पूरे फॉर्मेट में करना है। बीइंग प्रॉफिट या लॉस, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये है। चलो कुछ बच्चे बोल रहे सर ये तो आप रट्टा मरवा रहे हो, लॉजिक 11th पे आ जाओ। आपको पता था एक बात कि एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट,
और एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। क्या आपको पता था ना एक बात कि लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट और लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट। 11th क्लास में किया था डिक्रीज इन एसेट्स। सिंपल सी बात बताओ, इस केस के अंदर हमारा एसेट्स बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए? डेबिट। तो मेरे जर्नल एंट्री की तरफ अगर ध्यान से देखो तो डेबिट क्यों बढ़ रहा है? रिवैल्यूएशन की वजह से, ठीक है। सेम ऐसे स्टॉक रिवैल्यूएशन 260, तो स्टॉक मेरा घट रहा है तो एसेट्स हमारा घट रहा है तो क्रेडिट होना चाहिए। क्यों घट रहा है? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया और स्टॉक को क्या किया? क्रेडिट, क्योंकि घट रहा है। ये बात है मुद्दे की। अच्छा सर, हम समझ गए मुद्दे की बात। तो चलिए अब मैं लिख देता हूं। आप कभी जर्नल एंट्री में कंफ्यूज हो जाएं तो रिवैल्यूएशन डेबिट करना आप कब? जब आपको लॉस हो। और रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना जब आपको क्या हो? प्रॉफिट हो। और जिसकी वजह से है उसका नाम लिखो, नहीं तो जर्नल एंट्री है। तो बच्चे हमने आज रिवैल्यूएशन तो पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब मुद्दे की बात आएगी। सर ये सारी बातें हमें कैसे समझ में आएगी? इसका मतलब ये है। तो उसकी भी क्लास लगेगी, 10 12 15 एडजस्टमेंट है, जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट में किए थे। ऐसे ही इसको हम समझ समझ के करेंगे और फिर हम देखेंगे। तो आज तो हम सिर्फ फॉर्मेट को समझ रहे हैं कि भाई रिवैल्यूएशन है क्या, पार्टनर्स कैपिटल है क्या। उसके बाद धीरे धीरे आगे चर्चाएं करेंगे ना, एकदम से तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी स्टूडेंट है, सारे मेहनती है और सारे इस तरीके से करें कि बस एग्जाम में जाए। और रिवीजन कैसे करना है? चलते चलते दो चैप्टर रिवाइज कर ले। अब भाई चलते चलते कैसे होगा? देखो मैं तो चलते चलते दो चैप्टर रिवाइज कर लेता हूं। कैसे करता हूं मैं चलते चलते दो चैप्टर रिवाइज? अब रिवेल्यूशन करना है, मैं स्कूल जा रहा हूं, बैग टांग के जा रहा हूं। रिवेल्यूशन में क्या होता है? डेबिट साइड में फायदा आता है, नुकसान आता है। क्रेडिट साइड में इनकम आता है। एसेट्स बढ़ गया तो क्रेडिट जाएगा, एसेट्स घट गया तो डेबिट जाएगा। क्रेडिटर घट गया तो फायदा है तो बाय में जाएगा। क्रेडिटर आपका बढ़ गया तो नुकसान है तो टू में जाएगा। तो बस ऐसे ही तो याद करते हैं, चलते चलते चैप्टर याद, चाय पीते पीते भी कर लेते हैं याद। ये डेबिट क्रेडिट है, ठीक है। चाय पीते पीते चाय पी रहे हैं, रिवेल्यूशन सीखा है आज। रिवेल्यूशन होता है जब कभी भी पुराना पार्टनर और नया पार्टनर जब आता है, तो नया पार्टनर रिवेल्यूशन को क्या करता है? रिवेल्यूशन बनाने के लिए बोलता है। ओहो चाय पी ली, चाय पीने के बाद फिर इसके बाद फिर सोचेंगे कि अच्छा रिवेल्यूशन बनाता है, यानी रिवेल्यूशन अकाउंट में P&L ही नाम है। फिर चाय पी ली, इसके बाद रिवेल्यूशन का नेचर क्या है? नेचर क्या बताया था सर ने? नॉमिनल नेचर है। हाँ फिर चाय पीते गए, देखो चाय भी पी रहा हूं मैं और काम भी चल रहा है। अच्छा इसके बाद रिवॉल्यूशन के अंदर डेबिट साइड में सारे खर्चे होंगे और क्रेडिट साइड में सारे इनकम होंगे। बस यही तो है, यही तो बोलता हूं मैं। चाय पीते पीते भी हो जाता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। किताब कॉपी पेन वगैरह ये तो सब चीजें प्रैक्टिस के लिए चाहिए, साथ में दिमाग, ठीक है। अब मैंने सारी चीजें बताया, एग्जाम में जो फर्राटेदार काम होना है वो रिवॉल्यूशन को डेबिट क्रेडिट फटाफट जर्नल एंट्री। 8 नंबर का क्वेश्चन आना है इसमें से, एक 8 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो इसलिए थोड़ी इसमें ज्यादा तैयारी की जरूरत है। तो गुडविल में भी मैं समझ रहा हूं कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर गुडविल में क्या है नहीं है। तो गुडविल तो आपने कर लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात कर रहा हूं, तो वो इसमें यूज होगा। जितने पीछे आपने सीखे हैं सारे एक टाइम पे यूज हो जाएंगे। तो आप जल्दी जल्दी नोट करिए अच्छे बच्चे की तरह, और इसके बाद फिर हम अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नोट करिए फटाफट।